इसके बाद है ब्रांच अनकंडीशनली, BUN, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। तो इसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं। द इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर द प्रोग्राम टू द इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइड बाय द इफेक्टिव एड्रेस। यहाँ जो इफेक्टिव एड्रेस है वो एड्रेस रजिस्टर में स्टोर रहता है, ठीक है। तो डायग्राम से समझाता हूँ। एड्रेस रजिस्टर में अभी ये वाला मेमोरी लोकेशन है, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर हमारे यहाँ से है, ये वन बाय वन प्रोग्राम काउंटर इंस्ट्रक्शन को रीड करता है, राइट, ये हमें पता है। तो इसके बाद जब प्रोग्राम काउंटर को वन इंस्ट्रक्शन मिलता है, BUN, जैसे ही इसे BUN इंस्ट्रक्शन मिलता है तो ये क्या करता है, ये दूसरे पार्ट पे चला जाता है मेमोरी के इंस्ट्रक्शन को रीड करने के लिए। जैसे कि मैं एग्जांपल दे दूँ, इंस्ट्रक्शन रीड कर रहा था, ये वाला इंस्ट्रक्शन रीड करने के बाद प्रोग्राम काउंटर यहाँ पे आना चाहिए था और उसे ये वाला इंस्ट्रक्शन रीड करना चाहिए था जिसमें मैंने अभी एरो बनाया। लेकिन होता क्या है, ब्रांच का मतलब ही यही है कि वो ये वाला इंस्ट्रक्शन ना रीड करके दूसरे इंस्ट्रक्शन की लोकेशन पे चला जाएगा। कौन सी लोकेशन, जो एड्रेस रजिस्टर से स्पेसिफाइड होगी। कहने का मतलब PC हमारा यहाँ पे आ जाएगा और हमारा ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा और ये सब स्किप कर देगा बीच में, ठीक। तो ब्रांच हो गई, जो हमारा नॉर्मल एग्जीक्यूशन था वो स्टॉप हो गया और मेमोरी के दूसरी जगह जाके हम इंस्ट्रक्शन को रीड करने लगे। तो बेसिकली सिंपल सा इसका कंसेप्ट है, वन लाइन का इसका माइक्रो इंस्ट्रक्शन है। जैसे कि प्रोग्राम काउंटर में हमें एड्रेस देना होता है, एड्रेस हमारा ऑलरेडी AR रजिस्टर में, मैंने बता दिया, तो बस प्रोग्राम काउंटर में हम AR डाल देंगे, ठीक है। एड्रेस रजिस्टर का कंटेंट हम प्रोग्राम काउंटर में डाल देंगे। उससे क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर को ये वाला इंस्ट्रक्शन रीड करना था, यहाँ पे आ गया ना वो, लेकिन अब वो एड्रेस रजिस्टर वाले इंस्ट्रक्शन पे आ गया क्योंकि हमने उसमें एड्रेस डाल दिया, तो प्रोग्राम काउंटर में भी एड्रेस आ गया, तो अब वो यहाँ से इंस्ट्रक्शन को रीड करना स्टार्ट कर देगा नेक्स्ट साइकिल से। BSA, ब्रांच एंड सेव रिटर्न एड्रेस। इससे पहले वाला जो इंस्ट्रक्शन था ब्रांच अनकंडीशनली, वो क्या करता था, प्रोग्राम काउंटर हमारे यहाँ पे है फॉर एग्जांपल 21 मेमोरी लोकेशन पे, तो वो इंस्ट्रक्शन 21 के बाद उसे 22 रीड करना चाहिए, लेकिन वो एड्रेस रजिस्टर वाले इंस्ट्रक्शन की जगह पहुँच जाता था, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 25, और वो वहाँ से उसे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता था, ब्रांच हो जाती थी, ब्रेक हो जाता था बीच में। ब्रांच एंड सेव रिटर्न एड्रेस उससे थोड़ा सा और एडवांस है। ये क्या करता है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये वाला इंस्ट्रक्शन अभी एग्जीक्यूट कर रहे हैं 21 22, इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ी कि हम दूसरे इंस्ट्रक्शन पे जाएं, जैसे कि 25 वाले पे, एड्रेस रजिस्टर वाले पे गए और जो ये वाला इंस्ट्रक्शन है रीड करने के बाद हमें वापस आना है जहाँ पे हम थे। जैसे कि हमने ये वाला इंस्ट्रक्शन रीड करा, ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ गए और यहाँ से फिर हमें वापस आना है, तो वापस आने के लिए BSA यूज़ होता है। इसका नाम है ब्रांच एंड सेव रिटर्न एड्रेस, जो वर्ड है ना सेव रिटर्न एड्रेस, तो क्या करना पड़ता है हमें, से रिटर्न एड्रेस जो है वो हमें सेव करना पड़ता है। जैसे कि 21 वाला इंस्ट्रक्शन रीड हुआ, जैसे हम फैच करते हैं तो प्रोग्राम काउंटर में इंक्रीमेंट हो जाता है ना फैच एंड डिकोड साइकिल में, तो अभी 22 वाला हमें एग्जीक्यूट करना था, लेकिन इसके बाद यहाँ पे हमारा BSA वाला इंस्ट्रक्शन आ गया। अच्छे से लेके चलते हैं, यहाँ पे हमारा BSA इंस्ट्रक्शन आ गया। इसके बाद हमें एक्चुअली में 22 रीड करना था, लेकिन 22 की जगह हम आ गए AR पे 25 पे, क्योंकि ब्रांच कर दिया हमने, ठीक। तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, 22 जो हमें रीड करना था उसका जो रिटर्न एड्रेस है यानी कि 22, वो हमें यहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा मेमोरी एड्रेस ऑफ AR में, यानी कि AR की जो मेमोरी है मेमोरी वर्ड में हमें 22 स्टोर करना पड़ेगा ताकि हम उसे वापस आ सकें। फिर उसके बाद हम AR में इंक्रीमेंट करेंगे, AR में +1 करेंगे, और जैसे ही AR में इंक्रीमेंट होके AR यहाँ पे आ जाएगा ताकि हम अपना 26 मेमोरी वाला इंस्ट्रक्शन रीड कर पाएँ। रीड कैसे करेंगे, हम PC में डाल देंगे AR का कंटेंट, एड्रेस का कंटेंट। ये सेम है जैसे कि हमने ब्रांच में किया था, ब्रांच में हमने एड्रेस रजिस्टर का कंटेंट PC में डाल दिया था ना, बस उससे पहले एक स्टेप और है इसमें कि हमें वो रिटर्न एड्रेस को सेव करना पड़ता है ताकि हम वापस आ पाए वहाँ पे 22 पे, फिर हम ये वाले एग्जीक्यूट कर पाए नीचे के।
तो बस इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा है, ये आपको बुक से पढ़ लेना है एक बार, थोड़ा अगर कन्फ्यूजन हो तो। मैं आपको इसके माइक्रो इंस्ट्रक्शन दिखा देता हूँ। ये D5 पे एक्टिवेट होते हैं, टाइमिंग सिग्नल T4 रहता है। हमने क्या किया, पहले प्रोग्राम काउंटर का मेमोरी एड्रेस ऑफ AR में डाला। सेम चीज़, प्रोग्राम काउंटर को 22 एग्जीक्यूट करना था, लेकिन 22 मैंने पहले AR के मेमोरी एड्रेस में डाल दिया। फिर AR में इंक्रीमेंट किया, सेम टाइमिंग में AR में इंक्रीमेंट किया। फिर उसके बाद हमने ब्रांच कर दिया, यानी कि PC में डाल दिया एड्रेस तो PC क्या है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को रीड करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर यहाँ पे है, तो वो नेक्स्ट 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 यहाँ से रीड करना स्टार्ट करेगा। और अगर डीप में अगर मैं बताऊँ ये चीज़ कि रिटर्न कैसे आएगा, तो बुक में एक एग्जांपल दे रखा बहुत अच्छा सा, ये हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मैं बता देता हूँ, जैसे मेमोरी लोकेशन 20 पे हमारा BSA इंस्ट्रक्शन आ गया, राइट। अब ये ब्रांच एन सेव रिटर्न एड्रेस, ये ब्रांच कर देगा यहीं पे, लेकिन 21 में PC अभी 21 में था, क्योंकि जैसे हमने रीड करा ये वाला इंस्ट्रक्शन, हम रीड करते हैं ना, रीड करते ही प्रोग्राम काउंटर में इंक्रीमेंट हो जाता है, उसका एग्जीक्यूशन ख़त्म होने से पहले ही ना प्रोग्राम काउंटर में इंक्रीमेंट हो चुका होता है। ये हमने पढ़ा था फैच एंड डिकोड साइकिल में। तो 20 वाला इंस्ट्रक्शन रीड होते और एग्जीक्यूट होने से पहले 21 आ चुका, प्रोग्राम काउंटर में 21 आ चुका है, राइट। लेकिन हमें 21 एग्जीक्यूट नहीं करना, क्योंकि वो ब्रांच हो गया। तो 21 हम स्टोर करवा देंगे किसी मेमोरी लोकेशन में, AR में, 135 में हमने स्टोर करवा दिया। AR में इंक्रीमेंट करेंगे, 136 हो जाएगा, और वो 136 जो है वो हम प्रोग्राम काउंटर में डाल देंगे, ताकि अब ये सब रूटीन एग्जीक्यूट हो जाए, इसे सब रूटीन कहते हैं। अब जब ये सब रूटीन पूरी एग्जीक्यूट हो गई तो लास्ट में इसे एक और इंस्ट्रक्शन मिलेगा, बन। तो एक्चुअली कॉम्बिनेशन है ये। बन इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, इसमें दो चीज़ समझते हैं। पहला यहाँ पे है वन, वन का मतलब है इनडायरेक्ट एड्रेस, यानी कि एड्रेस ऑफ एड्रेस, और यहाँ पे दिया गया 135। तो बेसिकली होगा क्या, इनडायरेक्ट एड्रेस याद रखना, तो ये पहले जाएगा ब्रांच कर देगा 135 पे, ठीक। 135 पे गए, लेकिन ये इनडायरेक्ट एड्रेस था, तो यानी कि इसे एक और बार रीड करेंगे, यानी कि 21 के एड्रेस पे हमें अपना इंस्ट्रक्शन मिलेगा, एड्रेस ऑफ एड्रेस। यहाँ पे हमने 135 दिया, 135 से 21 पे जाएगा, और फिर 21 पे हमें इंस्ट्रक्शन मिलेगा। तो घूम के वापस वहीं आ गया, जैसे ये सब रूटीन एग्जीक्यूट हुई, लास्ट में हमें ब्रांच अनकंडीशनली वाला इंस्ट्रक्शन मिला, जो हमने इससे ऊपर पढ़ा, और वो इनडायरेक्ट बिट मोड में दिया, ताकि हम एड्रेस ऑफ एड्रेस में एक्चुअल में इंस्ट्रक्शन हो। क्योंकि अगर हम इसे डायरेक्ट दे देंगे ना, तो वो ये 21 को इंस्ट्रक्शन समझ लेगा, लेकिन 21 इंस्ट्रक्शन नहीं है हमारा, 21 हमारा मेमोरी एड्रेस है, एक्चुअल एड्रेस। तो इसलिए हमने इनडायरेक्ट मोड में दिया, ताकि हमारा वापस जहां हमने लीव किया था प्रोग्राम काउंटर, वहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो सके। एक बार आपको बुक से इसे रीड आउट करना पड़ेगा, तभी ये समझ में आएगा। फिर इसके बाद लास्ट इंस्ट्रक्शन आता है, इंक्रीमेंट एंड स्किप इफ ज़ीरो। जैसे कि नाम से क्लियर है, इंक्रीमेंट करेंगे और स्किप कर देंगे अगर ज़ीरो है तो। लेकिन क्या इंक्रीमेंट करेंगे, देखो मेमोरी वर्ड मैंने जैसे पहले बताया, मेमोरी वर्ड हम डायरेक्ट इंक्रीमेंट एडिशन सब्ट्रैक्शन डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो हमें पहले उसे रीड करना पड़ता है। तो ये क्या, डेटा रजिस्टर में हमने मेमोरी वर्ड रीड कर लिया, रीड करने के बाद हमने डेटा रजिस्टर में इंक्रीमेंट कर लिया, और फिर वो डेटा रजिस्टर की वैल्यू हमने वापस मेमोरी में डाल दी। सिंपल सा लॉजिक है, मेमोरी से रीड किया, इंक्रीमेंट किया, वापस मेमोरी वर्ड में डाल दिया। लेकिन एक कंडीशन थी ऊपर, इफ DR इज इक्वल टू ज़ीरो देन प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट। इसको थोड़ा सा समझते हैं, ऊपर था ना स्किप इफ ज़ीरो, अगर DR में ज़ीरो हो गया तो क्या करेगा, ये प्रोग्राम काउंटर में इंक्रीमेंट कर रहा है, तो एक्चुअली में होगा क्या, प्रोग्राम काउंटर में दो बार इंक्रीमेंट हो गया, एक तो फैच और डिकोड साइकिल में ऑलरेडी हो जाता है, यहाँ पे हमने एक और बार कर दिया,
तो अगर बेसिकली रफ समझाना चाहूँ मैं, यहाँ पे था ये प्रोग्राम काउंटर, जैसे हमने इसे रीड करा प्रोग्राम काउंटर यहाँ आ जाता है, लेकिन हमें ये वाले इंस्ट्रक्शन में हमने प्रोग्राम काउंटर को दो बार, एक बार और इंक्रीमेंट कर दिया, तो प्रोग्राम काउंटर यहाँ आ जाएगा, तो ये बीच का इंस्ट्रक्शन जो है वो रीड ही नहीं होगा, और रीड करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो होगा, ज़ीरो तभी तो हम स्किप कर रहे हैं, अगर ज़ीरो हो तो हमें दोबारा रीड करने की ज़रूरत ही क्या अगर ज़ीरो हो तो। मुझे लगता है ये रीज़न है इसका स्किप करने का। इफ़ डी आर इज इक्वल टू ज़ीरो देन प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट, जिससे मेमोरी वर्ड स्किप हो जाएगा, वो वाला इंस्ट्रक्शन रीड नहीं होगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रीड होगा, सीक्वेंस काउंटर ज़ीरो हो जाता है, सबके लास्ट में सीक्वेंस काउंटर ज़ीरो है सब में। तो इसकी एक समरी दे रखी है इन्होंने फ्लो चार्ट की फॉर्म में, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, साथ के साथ हम पढ़ चुके हैं। तो ये समरी है, समरी के बाद ये वाला इंस्ट्रक्शन ख़त्म है, फिर उसके बाद नेक्स्ट इनपुट आउटपुट एंड इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन है। तो हमारा मेमोरी रेफरेंस रजिस्टर इंस्ट्रक्शन जो भी है, एक्स वाई जेड जो भी है, कंप्लीट हो चुका है। तो बढ़िया, हम अगली वीडियो में इनपुट आउटपुट पढ़ेंगे।